आज का हमारा विषय है भाषा की प्रकृति, इसकी विशेषताएं, लक्षण और भाषा का महत्व क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाषा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा और अर्थ क्या है, इसके स्वरूप कितने हो सकते हैं। मूल रूप से भाषा के दो स्वरूप, मौखिक और लिखित। इसके अलावा ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि आधारों पर भाषाओं को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है। आज का जो विषय है भाषा की प्रकृति, प्रश्न पत्र में ये प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि भाषा की विशेषताएं लिखिए या भाषा की प्रवृत्ति बताइए या भाषा के लक्षण लिखिए। तो ये सब लगभग एक जैसे ही हैं। भाषा की प्रकृति का पहला बिंदु या पहली विशेषता है प्रतीकात्मकता। हर एक भाषा में प्रतीकात्मकता होती है। ये प्रतीकात्मकता वर्ण और शब्द के स्तर पर होती है। भाषा का मूल आधार है ध्वनि, और हर एक ध्वनि के लिए हमने एक ध्वनि चिन्ह निर्धारित कर दिया। उस चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। उन वर्णों से जो सार्थक ध्वनियां बनी, जो किसी वस्तु या भाव की सूचक है, उनको शब्द कहा गया। तो भाषा में जो भी शब्द है वो प्रतीकात्मक है, उनका मूल वस्तु मूल भाव से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह किसी भी भाषा में जो वर्ण है वो सब भी प्रतीकात्मक है। जैसे हिंदी की वर्णमाला का ख ग, या अंग्रेजी की वर्णमाला ए बी सी। तो हर एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निर्धारित कर दिया गया, और वो वर्ण उस ध्वनि का प्रतीक है। हर एक भाषा में खूब सारे शब्द हैं, वो शब्द किसी भाव विचार या वस्तु का प्रतीक है, जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो भाषा की पहली विशेषता हो गई प्रतीकात्मकता। ये प्रतीकात्मकता वर्ण स्तर पर भी है और शब्द स्तर पर भी। दूसरी विशेषता सामाजिकता। किसी भी भाषा का विकास एक समाज में ही संभव है। बगैर समाज के कोई भाषा ना तो शुरू हो सकती है ना उसका विकास हो सकता है। समाज अपने अपने तरीके से भाषा को समृद्ध करता है। अगर एक बच्चा राजस्थान में जन्म ले तो वो अपने समाज के कारण, समाज जिसमें उसका परिवार भी शामिल है, उसका परिवेश गली मोहल्ला शामिल है, और उसका गांव शामिल है, उसका प्रांत शामिल है, उस समाज में जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है उसी भाषा को वो अपने आप सीख जाएगा। जैसे मैं गांव के बच्चों की बात करूं तो उन्हें अंग्रेजी सीखने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बच्चा जो राजस्थान में नागौर में जन्मा है, उस 4 महीने के बच्चे को अगर इंग्लैंड ले जाया जाए और उसकी परवरिश 10-15 साल का जब तक वो हो तब तक इंग्लैंड में ही की जाए, तो उसे अंग्रेजी सीखने के लिए अलग से कोई औपचारिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। वो उस समाज में रह के उस भाषा को अपने आप सीख जाएगा। ये है किसी भाषा की सामाजिकता। अब भाषा को सीखते कैसा है? भाषा की प्रकृति जो है वो अनुकरण ग्राहिता से संबंधित है। अनुकरण के द्वारा ही किसी भाषा को सीखा जा सकता है। ये अनुकरण औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह से होता है। अनौपचारिक की बात करें तो एक बच्चा अपने परिवार में रह के बगैर किसी ब्लैक बोर्ड के, बगैर किसी विशेष प्रयास के एक भाषा को सीख जाता है। राजस्थान के नागौर परिवेश की बात करूं तो एक बच्चा अपने आप में मारवाड़ी सीख जाएगा, और वो सीखेगा कैसे? अनुकरण से। वो अपने परिजनों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को बोलता सुनेगा, उन शब्दों को सुनेगा और उनका अनुकरण करेगा। अपने आप सीख जाएगा कि ये पानी है, ये माँ है, ये बाबा है। दूसरा जो अनुकरण का रूप है वो है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा हमें विद्यालय महाविद्यालय में मिलती है। तो हम भाषा को औपचारिक रूप से स्कूल में सीखते हैं। आप सबने भी बचपन में अनुभव किया होगा कि जब हम पहली कक्षा में थे, अब तो नर्सरी हो गई, पहले पहली थी, तो उस समय जब हम किसी भाषा को सीखते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश या ए से अनार, तो हम
हमारे जो टीचर होते थे वो बोलते थे, उसके पीछे हम बोलते थे। उसके बाद में क्लास में जो एक बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट होता उसको मॉनिटर बना देते, वो मॉनिटर बोलता आगे और सारे बच्चे उसका अनुकरण करते। ये है मौखिक अनुकरण। इसके बाद में आया लिखित अनुकरण। सर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ये क है, ये ख या ये ए फॉर एप्पल, और उसका अनुकरण बच्चों ने किया, स्लेट पे लिखा, फिर नोटबुक में लिखा कैसे कबूतर कैसे खरगोश। अनुकरण के द्वारा ही किसी भाषा को सीखा जा सकता है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। तीसरी विशेषता अंतरणता। भाषा अंतरित होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, और भाषा का यह गुण है कि वो स्थान और काल की सीमाओं का भी अंतरण कर लेती है। जैसे मैं अपने महाविद्यालय में ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं भाषा के माध्यम से, ये जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, और ये आप तक पहुंच जाएगा भले ही विश्व के किसी कोने में आप बैठे हो, इस चीज को आप 10 साल बाद भी देख सकते हो। तो भाषा के माध्यम से ही विचारों का अंतरण होता है। एक बात स्थान और काल की सीमा को पार करते हुए चलती रहती है। विभाज्यता, भाषा का एक गुण विभाज्यता है, इसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर एक भाषा का मूल आधार वर्ण होता है, ध्वनि होती है। कुछ वर्ण मिलके एक अर्थ देते हैं तो शब्द बन जाता है, शब्दों से पद बने, पदों से वाक्य, वाक्यों से एक पैराग्राफ या प्रोक्ति या महावाक्य। तो भाषा के अलग अलग स्तर होते हैं, भाषा को अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ये जो टुकड़े हैं ये वर्ण, शब्द, रूप, वाक्य और प्रोक्ति, ये 5 आधार मुख्य हैं। सृजनात्मकता, भाषा में सृजनात्मकता की असीमित क्षमता है। अंग्रेजी की वर्णमाला की बात करें तो कुल 26 वर्ण अंग्रेजी में, और हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो 44 वर्ण। लेकिन इन 26 और 44 वर्णों के आधार पर कितने शब्द बन सकते हैं? शायद अनंत। अभी तक जो औपचारिक रूप से शब्दकोश बने हैं, मैं कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी की बात करूं तो उसमें लगभग 1,00,000 शब्द हैं, और ये माना जाता है कि मूल रूप से 10,000 शब्द तो अंग्रेजी के हैं, बाकी शब्द जनरेट हो गए, बन गए या दूसरी भाषाओं से आ गए। हिंदी शब्दकोश, जिसका प्रकाशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली द्वारा किया जाता है, उसमें हिंदी के लगभग 1,50,000 शब्द, और ये 1,50,000 शब्द सिर्फ 44 वर्णों से बने हैं। इसी तरह तकनीकी जो शब्दावली है, जिसमें अलग अलग विषयों के शब्दों को शामिल किया जाता है, और कमोबेश विश्व की सभी भाषाओं में इसका उपयोग होता है, हिंदी में भी होता है, तो हिंदी की तकनीकी शब्दावली की बात करें तो लगभग 6,50,000 शब्द, और उसमें शब्द निरंतर जुड़ते जाते हैं। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 4,000 शब्द शामिल होते हैं। तो ये भाषा की सृजनात्मकता है कि भाषा किस तरह से बढ़ती जाती है, उसका मूल आधार वही वर्ण है, वही 26 वर्ण अंग्रेजी के, वही 44 वर्ण हिंदी के, लेकिन उन वर्णों के आधार पर अनंत शब्द, अनंत वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगली जो विशेषता है इसकी वो है परिवर्तनशीलता। भाषा लगातार बदलती रहती है। आज से 50 साल पहले की हिंदी इस तरह की नहीं थी जैसी आज है। जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो उसके लिए एक शब्द निर्धारित कर लिया गया, अंग्रेजी में टेलीफोन शब्द बना। जब वो हिंदी में आया तो हिंदी वालों के सामने ये समस्या आई कि टेलीफोन को हिंदी में क्या कहें, क्योंकि ये मूल रूप से कोई हिंदुस्तान की खोज नहीं थी। तो टेली और फोन दोनों शब्दों का अलग अलग हिंदी अर्थ किया गया। टेली यानी दूर, फोन यानी भाष। जब हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी उसमें हमने पढ़ा भाष व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट रूप से व्यक्त वाणी है वो भाष है, तो टेलीफोन का माध्यम ही वाणी है।
इसलिए टेलीफोन को हमने कह दिया दूरभाष। अब जब मोबाइल का चलन हो गया तब ये दिक्कत आई कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहें, तो हिंदी शब्द कोश ने मोबाइल को एज इट इज अपने में शामिल कर लिया, इसके लिए अलग से हिंदी अर्थ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कई ऐसे शब्द दूसरी भाषाओं के हैं जिनका अगर हिंदी अनुवाद करें तो वो अनुवाद दुविधाजनक स्थिति पैदा करते, एक भ्रम में डाल दे। जैसे इंटरनेट, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इंटर यानी अंतर, नेट यानी जाल, तो इंटरनेट का हिंदी अर्थ करें तो अंतरजाल। अब ये शब्द खुद में उलझाने वाला है, ये अंतरजाल क्या आ गया। इसलिए हर एक भाषा का शब्दकोश अनेक शब्दों को उसी रूप में शामिल कर लेता है और इस तरह भाषा लगातार बदलती जाती है। जैसे एक समय में हम कहते थे कुर्सी और मेज, अब कहते हैं चेयर और टेबल, तो मेज की जगह आज टेबल शब्द का उपयोग अधिक किया जाता है। तो ये भाषा का रूप है जो लगातार परिवर्तित होता है। अगली जो विशेषता है वो है नियमबद्धता। हर एक भाषा का एक नियम होता है और उन नियमों की एक संहिता होती है, उस संहिता को व्याकरण कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी का ग्रामर, हिंदी का व्याकरण, उस व्याकरण में उस भाषा के उपयोग से संबंधित हर एक नियम को दिया जाएगा। जैसे वर्ण के संबंध में नियम, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, इनका उच्चारण किस तरह से, संधि के संबंध में नियम कि दो वर्णों का जब मेल होगा तो वर्ण विकार किस तरह से उत्पन्न होगा, समास का नियम, वाक्य संयोजन का नियम कि कर्ता कर्म और क्रिया में से पहले कौन सा आएगा। और ये नियम हर एक भाषा के कुछ अलग अलग होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, पहले राम फिर गोज, यानी कर्ता के बाद में क्रिया फिर कर्म। और हिंदी में राम बाजार जाता है, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। तो ये नियम हर एक भाषा ने अपने स्तर पर तय कर लिए कि किस तरह भाषा का उपयोग हम करें, और ये नियम व्याकरण के नाम से जाने गए। संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने आज से लगभग 2000 साल पहले बनाया था, 1800 साल पहले बनाया था। हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु का नाम महत्वपूर्ण है, इसके अलावा खूब सारे व्याकरण आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी का व्याकरण है। अब भाषा का महत्व क्या है? आमतौर पे यह होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो घरवाले कहते हैं इसको साइंस दिला देंगे, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, और अगर कमजोर है तब इसे ठीक है आर्ट्स दिला दो, इतिहास दे दो, हिंदी दे दो, भाषा दे दो कोई, तो समझा जाता है कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने कुछ भी पढ़ लिया, अगर भाषा पर उसकी पकड़ नहीं है तो वो अपने ज्ञान को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। आज हम देखते हैं चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे सिनेमा जगत हो, अभिनेता हो या राजनेता हो, जिस व्यक्ति की भाषा पे जितनी गहरी पकड़ है वो उतना ही सफल होता है। तो मनुष्य की व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है उसकी भाषा। तो ये भाषा का महत्व है। भाषा किसी समाज संस्कृति के बहुमुखी विकास का मूल आधार होती है। अगर आज हम भाषा को भूल जाएं, अगर हम हिंदी को भूल जाएं, अगर हम इंग्लिश को भूल जाएं, अगर हम उर्दू संस्कृत को भूल जाएं, अगर हम पर्शियन को भूल जाएं, अगर हम अरबी को भूल जाएं, तो फिर मानव समाज ने पिछले 10,000 सालों में जो प्रगति की है वो प्रगति एकदम से गायब हो जाएगी। भाषा नहीं हो तो हम कैसे इतिहास पढ़ेंगे, समाजशास्त्र कैसे पढ़ेंगे, हम रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान भी कैसे पढ़ेंगे बगैर भाषा।
तो जितने भी विषय हैं, यूजीसी जिन 84 विषयों में नेट परीक्षा का आयोजन करवाती है, उन सब विषयों का जो मूल आधार है वो है भाषा। हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन में हमने जो प्रगति की है उसका मूल आधार है भाषा। इसलिए भाषा को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो या अन्य कोई भाषा। थैंक यू।